वेलकम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28 साइंस क्लास 9 हिंदी मीडियम। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गति, और यह नया चैप्टर भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि गति क्या होता है, क्या होती है गति? जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो इस अवस्था को गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि सुबह 7 बजे आप स्कूल के लिए चले, ठीक है, और 7:30 पे पहुंच रहे हो, तो गतिमान चल रहा है ना। गति वस्तु स्पीड क्या थी आपकी कि भाई आप इस उससे चल रहे हो, मतलब कि इतने मिनट में आपने इतनी दूरी तय की, तो गति यही हो गई, ठीक है। गति क्या है कि कितने समय में आपने कितनी दूरी तय की। तो समय के साथ साथ जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है तो इसे गति कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, बॉल कितनी गति से आपके हाथ में आई, या गाड़ी कितनी गति से, गति यानी स्पीड से चल रही है, ठीक है। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है, कोई वस्तु बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, तो इसे गति कहते हैं। तो ये गति के बारे में आपको यहाँ तक बताया हुआ है। कई सारे एग्जाम्पल हो गए, हमारे आसपास के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भौतिक वस्तुओं की दो स्थितियाँ होती हैं। भौतिक मतलब जो वस्तु हम देख सकते हैं उसे भौतिक कहते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे भौतिक वस्तु कहते हैं। इनकी दो स्थितियाँ होती हैं, या तो वो स्थिर अवस्था में होंगी यानी रुकी पड़ी हैं, जैसे घर में कोई सामान रुका पड़ा हुआ है, ऐसे ही टेबल है, या आप ही बैठी अवस्था में हो विराम अवस्था में, या वस्तु गतिशील अवस्था में होगी, जैसे गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी, ठीक है। तो या तो वस्तु स्थिर होगी या गतिमान होगी। तो जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो उसे स्थिर वस्तु कहते हैं, स्थिर कहलाते हैं। जैसे कि पेड़, अब देखिए पेड़ जो है पहले दिन भी वहीं रहेगा, दूसरे दिन भी वहीं रहेगा, तीसरे दिन भी वहीं रहेगा ना, खंभा है, पेड़ है, इमारत है, तो ये समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलते हैं, तो इनको कहते हैं स्थिर। लेकिन जब वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो उसे गतिशील वस्तु कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, अब कार अभी यहाँ है, आधे घंटे बाद दूसरी जगह पहुंच जाएगी, और उसके आधे घंटे बाद तीसरी जगह पहुंच जाएगी, तो चलती हुई कार क्या है, समय के साथ साथ अपना स्थान बदल रही है। आया समझ में? गति और भौतिक वस्तुओं की दो स्थितियों के बारे में हमने आपको बताया। नाउ सरल गति, गति के तीन प्रकार है, सरल गति, दोलन गति, या क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, ठीक है। इनके बारे में हम लोग, तो सरल गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र गति पर गति करती है, ठीक है। सरल या वक्र मतलब सीधी रेखा में गति कर रही है या वक्राकार गति कर रही है, उसे सरल गति कहते हैं। सिंपल गति चल रही है, यानी सिंपल जो है समय के साथ साथ वस्तु स्थान बदल रही है। दोलन या आवर्त क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित पथ पर गति करती है। आपने देखा घंटाघर में जो घड़ी होती है वो इस तरह से दोलन करती है, एक पाथ होता है यहाँ से यहाँ तक दोलन करती रहती है, करती रहे ना, तो इसको बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। ये है दोलन गति और ये है हमारी सरल गति, सरल गति, सरल गति, और ये है दोलन गति। घूर्णन गति क्या होती है, वह गति जिसमें किसी कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है, यानी कोई बिंदु है, जैसे सूरज है, सूरज होता है ना, उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, पृथ्वी या अन्य ग्रह गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो घूर्णन गति यही होती है। घूर्णन गति जब किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु गति करती है, ठीक है। अब आप अपने स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते थे, सरल गति आएगी इसमें, या गोलाकार घूम रहे हैं, चौकोर रास्ते पे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत, लेकिन किसी बिंदु के चारों तरफ गति हो रही तो घूर्णन है, और दोलन क्या है, एक निश्चित बिंदु से इधर उधर गति होती है उसे बोलते हैं, ठीक है।